ब्रह्मपुर नाम का एक गांव था। इस गांव के पास ही एक रेलवे क्रॉसिंग थी जहां बद्री काम करता था। बद्री का काम था आने जाने वाली रेलों को सिग्नल दिखाना। खैर, एक जुम्मे की दोपहर बद्री अपने काम पर पहुंचा। आज जुम्मे का दिन है और मुझे रात के 12 बजे से पहले ही निकल जाना होगा, वरना कल शनिचर हो जाएगा। बद्री ये बात सोचकर ही डर गया था। दिन भर उसने अपना काम किया, कई मालगाड़ियों को सिग्नल दिखाए और शाम को थकान के मारे उसकी आंख लग गई। उसके सोने के बाद वक्त बहुत तेजी से चलने लगा, कब 12 बज गए पता ही नहीं चला। जब उसकी आंख खुली, 12 बज गए, बाप रे, भागो भागो। बद्री बिना सोचे समझे भागने लगा। पता नहीं वो किस चीज से डर रहा था। वो इतना ज्यादा डरा हुआ था कि वो बार बार पीछे मुड़कर देखता भी जा रहा था। अपने खुद के पैरों की आहट से भी उसे डर लग रहा था। हे भगवान, आज मुझे बचा लो, मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय नमः। वो भगवान से मिन्नतें करते करते दौड़ रहा था और ऐसे ही दौड़ते दौड़ते वो एक आदमी से जा टकराया। गांव में अजनबी था। अरे अरे अरे, भागो भागो, शनिचर का दिन है। शनिचर? अरे तो क्या हुआ? भागो भागो, अपनी अपनी जान बचाओ। बद्री भागते भागते गांव के अंदर घुस गया, मगर वो आदमी जो गांव में अभी अभी नया आया था, उसके समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। अरे आखिर मैं किससे भागूं? यहाँ क्या है, कोई दिखाई भी तो नहीं देता जिससे पूछूं। एक काम करता हूँ, यहीं चार रास्ते पर अपनी रात काट लेता हूँ, फिर कल सुबह गांव में घर ढूंढ लूंगा किराए पर। वो आदमी शनिचर की आहट से अनजान था। वो चार रास्ते के पेड़ के पास सिर टिकाकर सो गया। पूरे गांव में किसी की हिम्मत नहीं थी कि शनिचर की रात को घर से बाहर कदम रख सके, लेकिन ये अजनबी आराम से सो रहा था। उसके सोने के बाद गांव में एक बवंडर जैसा चलने लगा। वो उस अजनबी के पास से भी गुजरा, पर उसे कुछ नहीं हुआ। सुबह हो गई, फिर गांव वाले अपने अपने घरों से बाहर निकले। वो लोग ताज्जुब में थे, अरे ये जिंदा भी है या नहीं? अरे शनिचर की आहट ने इसे मार दिया होगा। गांव वाले उस अजनबी के पास गए तो वो अंगड़ाई ले रहा था। अरे ये कमबख्त तो जिंदा है, भला ऐसे कैसे हो सकता है? अरे शनिचर की रात को बाहर बैठकर भी जिंदा है, इसका मतलब है कि ये कोई फरिश्ता है। गांव वाले उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अरे ये सब क्या कर रहे हैं आप लोग? आप तो फरिश्ता हैं जनाब, आप शनिचर की रात को भी गांव में जिंदा हैं? आप जरूर कोई पहुंचे हुए फकीर हैं भाई। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक मास्टर हूँ, इस गांव के स्कूल का नया मास्टर। कल मेरी ट्रेन लेट हो गई थी तो रात के 12 बजे गांव पहुंचा। गांव में बहुत खामोशी थी तो मैं यहीं पर सो गया। अरे आपको शनिचर की आहट नहीं सुनाई दी क्या? क्या शनिचर की आहट? वो क्या होती है? अरे जनाब, मौत की आहट। अरे जनाब, मुद्दत से ब्रह्मपुर गांव में हर शनिचर की रात को एक बवंडर घूमता है, मौत का बवंडर। उसमें अलग अलग तरह के शैतान होते हैं, जो भी अपने घरों से बाहर निकलता है उसको वो मौत के घाट उतार देते हैं। अरे पिछले साल ही हरिया काका को मौत के बवंडर ने मार डाला, उससे पहले भोला दूध वाले को। हाँ, एक आप ही हैं जो इस बवंडर से जिंदा बच गए हैं। आप तो कोई फरिश्ता हैं जनाब, फरिश्ता हैं आप। अरे ऐसा कोई शैतान बवंडर कुछ नहीं होता, ये तो बस कहानियों में होते हैं, लोगों का मन बहलाने के लिए। अरे आप लोग तो बेफिजूल ही ऐसी बातों से डर रहे हैं। अरे जनाब, जिन्होंने अपने लोगों को खोया है ना,
उन्हें पता है शनिचर की आहट का खौफ। आप इन सब बातों से अनजान हैं जनाब, आप ये कभी नहीं समझ पाएंगे मास्टर जी। अच्छा ठीक है ठीक है, अगर आप लोगों के हिसाब से शनिचर की आहट मौत है तो अगले शनिचर को मैं उस आहट का सामना खुद करूंगा, ठीक है। और ये साबित कर दूंगा कि ऐसी कोई चीज नहीं है, शैतान वैतान नहीं होते। अरे मास्टर जी क्यों बेवजह अपनी जान के दुश्मन बन रहे हो? हाँ देखो, अगर मैं मर भी गया तो कोई बात नहीं, लेकिन आप सबों की गलतफहमी दूर कर दूंगा, ये मेरा वादा रहा। एक हफ्ते के बाद मास्टर अपने वादे के मुताबिक गांव में अकेला था। सब लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे मास्टर के अलावा। आज मैं इन सबको साबित कर दूंगा कि शैतान वैतान कुछ नहीं है। मास्टर वापस उसी जगह बैठ गया और सारी रात इंतजार करता रहा। रात में अचानक तेज तूफान आया, धूल और पत्ते उड़ रहे थे। मास्टर को लगा शायद गांव वाले सही थे, लेकिन कुछ ही मिनटों में वो सब बंद हो गया। मैं भी फिजूल में डर रहा था। ऐसा करते करते सुबह हो गई, मास्टर को कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा था ना शैतान वैतान कुछ नहीं होता है, ये सब मन का वहम है। अरे आप लोग ऐसे गलत फहमियों पर यकीन मत कीजिए। अरे जिस किसी ने भी शनिचर की आहट को सुना है वो तड़प तड़प कर मर गया। आप तो बार बार उससे बच जाते हैं, आप तो फरिश्ता है जनाब, फरिश्ता है। लगता है भूतों के देव महादेव की स्वयं कृपा है तुम पर। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सब मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हैं? मास्टर गांव वालों को समझाता रहा पर कोई उसकी बात सुनने को राजी नहीं था। मास्टर को इन शैतानों में यकीन नहीं था, इसीलिए वो अपनी बात पर अड़ा रहा। खैर जिस पेड़ के नीचे वो बैठा था उसके दूसरी ओर एक पुराना शिवलिंग था। जीवन अपनी किस्मत से बचा या शिवलिंग की वजह से किसी को पता नहीं, और शनिचर की आहट आखिर है क्या ये भी कोई नहीं जानता। इस वाकया को 5 साल बीत गए, जीवन का तबादला हो गया। वो गांव वालों को समझा समझा कर थक गया था, लेकिन आज भी ब्रह्मपुर के लोग शनिचर की रात को वैसे ही डरते हैं।